फ्री फॉल में जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, फ्री फॉल देख रहे थे तो यहाँ पे a इज इक्वल टू जो है वो माइनस सी। माइनस क्यों? माइनस इसलिए क्योंकि ये जो है डाउनवर्ड है, माइनस माइनस इसलिए क्योंकि वो डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव। तो यहाँ से जो इनिशियल वेलोसिटी होगी, ये हमारा साइन कन्वेंशन है ग्राउंड, जहां से पॉइंट हम प्रोजेक्ट करेंगे, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को उसको जीरो लेना है। तो इससे हम इक्वेशन फाइंड करेंगे कि टोटल कितना टाइम लगता है। तो ये टाइम कितना हो जाएगा? 2u/g। टाइम हो जाएगा 2u/g। कैसे? यहाँ से मान लो, यहाँ से ये प्रोजेक्ट किया तो ये आएगा, किसी मैक्सिमम हाइट तक जाएगा और मैक्सिमम हाइट तक जाके यहाँ पे स्पीड जीरो होगी और यहाँ फिर वापस ग्राउंड पे पहुंच जाएगा। तो इस मैक्सिमम हाइट तक का टाइम हम फाइंड करेंगे, v इज इक्वल टू u प्लस at, a की वैल्यू माइनस जी इंटू टी, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी जीरो। तो यहाँ से टाइम हो जाएगा u/g। ये मोशन जो है होता है सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब क्या है कि जितना जाने का टाइम उतना ही आने का टाइम। तो यहाँ से u/g और यहाँ से भी u/g, तो टोटल टाइम हो जाएगा 2u/g। अगर ये मैक्सिमम हाइट हम फाइंड करेंगे तो मैक्सिमम हाइट को हम फाइंड कर सकते हैं v² = u² - 2as से। तो यहाँ से जो डिस्प्लेसमेंट ये आएगा, दैट इज u² / 2g, u² / 2g, मैक्सिमम हाइट है u² / 2g। और यहाँ से सेम है, और टोटल टाइम टाइम फाइंड करना है, टोटल टाइम है 2u/g। तो जैसे यहाँ से मान लो कि क्वेश्चन हमें है कि यहाँ से ये ग्राउंड है, ग्राउंड से अगर ये प्रोजेक्ट हुआ और इसकी जो है प्रोजेक्शन स्पीड है 20, तो इसका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा? टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 2u/g। तो u की वैल्यू ये पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 into u/g, तो ये हो जाएगा 4 सेकेंड। व्हाट इज द हाइट एट t = 1 सेकेंड एंड 3 सेकेंड? हमें बताना है t = 1 सेकेंड एंड 3 सेकेंड पे इसकी हाइट क्या होगी। 1 सेकेंड पे और 3 सेकेंड पे, तो 1 सेकेंड पे यहाँ से हमें हाइट फाइंड करनी है। ए की वैल्यू जो है वो -10 है, तो टाइम गिवन है और वेलोसिटी गिवन है, एक्सलेशन भी गिवन है। तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी क्या? तो यहाँ से अगर देखोगे 4 सेकेंड है, 4 सेकेंड ये मोशन सिमेट्रिकल है, तो थोड़ा सा इसको एक एनालिसिस दिमाग में रखोगे, वो एनालिसिस ये हो जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम हो जाएगा 2 सेकेंड और वापस आने का टाइम हो जाएगा 2 सेकेंड। जाने का टाइम हो जाएगा 2 सेकेंड और आने का टाइम हो जाएगा 2 सेकेंड। मैक्सिमम हाइट, तो टाइम फाइंड करना है, तो s इज इक्वल टू ut + ½at² u क्या है? u = 20 into t - ½ into 10 into t² ये हो जाएगा 5 5। तो ये 20 - 5 मतलब ये 15। तो ये कितनी हाइट पे होगा? यहाँ से 15 पे होगा ये। व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट? मैक्सिमम हाइट का तो आंसर बता सकते हो, u² / 2g, 20 into 20 / 20। ये हो जाएगा 20। हमेशा क्या है कि लास्ट सेकेंड में, ये याद रख सकते हो कि लास्ट सेकेंड में 5 मीटर ही चलता है। पॉइंट में ये याद रखना है कि मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने में कितना टाइम लगता है? 2 सेकेंड। तो हमेशा जो लास्ट सेकेंड वाली डिस्टेंस होगी, दैट इज इक्वल टू 5 मीटर। कोई भी पार्टिकल लास्ट सेकेंड में 5 मीटर चलेगा। तो तुम्हें पता है कि 2 सेकेंड पे 5 मीटर चला है, तो इससे नीचे मतलब 1 सेकेंड होगा। 1 सेकेंड पे कितना चलेगा? मैक्सिमम हाइट हो जाएगा 20, 20 - 5 हो जाएगा 15। तो अगर 1 सेकेंड जाने में जितना टाइम लगा, उतना ही 1 सेकेंड आने में नीचे भी उतना ही टाइम लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा? 5। फिर से ये सेम पॉइंट पे होगा। तो 1 और 3 पे क्या है? इसकी डिस्प्लेसमेंट सेम है। 1 और 3 पे इसकी डिस्प्लेसमेंट, जिस हाइट पे, दोनों की हाइट सेम है, और फिर वापस ये नेक्स्ट में ट्रेवल कर लेगा। आई बात समझ में? तो जनरल ये है। अब इसमें जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, जनरल टाइम अगर हमें फाइंड करना है, दो है, दो चीजें कि यहाँ तो हम ग्राउंड से प्रोजेक्ट कर रहे थे, ये ग्राउंड से प्रोजेक्ट कर रहे थे और ये यहाँ से यहाँ तक आ रहा था। इसमें अगर किसी हाइट से ड्रॉप करते हैं, किसी पार्टिकल को, तो कितने टाइम में वो स्ट्राइक करेगा और किस स्पीड से स्ट्राइक करेगा, ये हम डिराइव कर सकते हैं
इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, रूट टू एच बाई जी, यहाँ से एच है तो कितने टाइम में ये नीचे मान लो एच हाइट तक है, कितने टाइम में आता है, तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला इक्वेशन यूज़ करेंगे, हाफ ए टी स्क्वायर वाला यूज़ करेंगे। तो यहाँ से एस कितना डिस्प्लेसमेंट एच ट्रेवल करना है, ड्रॉप किया जा रहा है, ड्रॉप किया जा रहा है, अगर प्रोजेक्ट करेंगे तो नहीं होगा। तो यहाँ से जो टाइम आएगा जी टी स्क्वायर बाई टू, ये टाइम आ जाएगा। तो इसको याद रखना है कि अगर हम ड्रॉप करते हैं तो रूट टू एच बाई जी किस स्पीड से आएगा, वी स्क्वायर यू स्क्वायर वाला अप्लाई कर देंगे, वी इज इक्वल टू रूट टू जी एच, ये दो स्पीड हमें याद रखना है। अब जैसे मान लो कि यहाँ से कोई पार्टिकल, अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें एक ये है कि किसी मूविंग से, सपोज करो कि ये जो है किसी मूविंग से अगर ये मूव करता है, जैसे मान लो कोई बलून है, एक कोई बलून है, ये सिचुएशन है, ड्रॉपिंग ड्रॉपिंग फ्रॉम मूविंग फ्रेम। तो मूविंग फ्रेम वाले में हमें ये समझना है कि व्हेनेवर एनी ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम मूविंग फ्रेम वेलोसिटी गेट्स ट्रांसफर्ड। क्यों? क्योंकि इनर्शिया की वजह से वेलोसिटी गेट्स ट्रांसफर्ड, वेलोसिटी हमेशा ट्रांसफर हो जाएगी। तो सपोज कि ये क्वेश्चन है कि यहाँ से ये बलून है, बलून किसी हाइट पे है 60 मीटर पे है और ये जो है 7 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, तो यहाँ से इस पर्सन ने जो है ड्रॉप किया है तो कितने टाइम में नीचे आएगा। तो हमें क्या समझना है यहाँ पे कि अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि ये 60 है तो जब ड्रॉप किया जाएगा तो उसको वही वेलोसिटी मिल जाएगी, मतलब पार्टिकल की क्या वेलोसिटी हो जाएगी, वही वेलोसिटी जो बलून की वेलोसिटी होगी, ये है 7। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ड्रॉपिंग ऑफ एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम मूविंग फ्रेम, मतलब बलून से, अगर बलून से ट्रांसफर करेंगे तो उसको उसका एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन दिया हुआ था 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो वो एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, उसकी वेलोसिटी मिलेगी, वेलोसिटी कितनी है 7 और यह है 60। अब हमें बताना है कि टोटल टाइम कितना लगेगा, टोटल टाइम कितना लगेगा, तो इसके लिए इक्वेशन लिख लेंगे। इक्वेशन के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ से ओरिजिन लिख लेंगे, तो फाइनली यहाँ से यहाँ नीचे आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट किधर है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज करेंगे। एक्सलेशन डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू -60, वेलोसिटी इज व्हाट 7 इंटू टी, एक्सलेशन जी है जो डाउनवर्ड है -10 2 इंटू टी स्क्वायर, और यहाँ से हमारा इक्वेशन आ जाएगा। ये इसको सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट है वही हो जाएगा हमारा आंसर। तो इसका आंसर जो है सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा। आई बात समझ में? तो ये था बलून ड्रॉप करने के लिए एक रिजल्ट जो है यहाँ से रिजल्ट कि अगर कोई पार्टिकल ड्रॉप किया जा रहा है 3 पार्टिकल एक साथ, ये जो है सेम स्पीड से, ये जो है यहाँ से U और यहाँ से एक ड्रॉप किया जा रहा है U इज इक्वल टू 0, U से अपवर्ड U से डाउनवर्ड, अगर इसमें टाइम लगता है T1, इसमें टाइम लगता है T2 और इस केस में टाइम लगता है T, तो सेम यही इक्वेशन लिख के हम ये चीज़ डिराइव कर सकते हैं कि जो T है T इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ T1 इंटू T2। कि याद रखना है कि अगर एक ऑब्जेक्ट ड्रॉप किया गया और सेम हाइट से दो ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में प्रोजेक्टेड है तो उसका जो टाइम है T1 T2 वो आ जाएगा टोटल इसके। अब कुछ ग्राफ वाले पॉइंट्स को डिस्कस करना है, कुछ ग्राफ वाले पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं कि काइनेमेटिक्स थ्रू ग्राफ है। तो पहले ये सोचोगे कि ग्राफ पोजिशन है, पोजीशन से हमें वेलोसिटी फाइंड करना है, वेलोसिटी से हमें एक्सेलेरेशन फाइंड करना है, यहाँ से यहाँ कैसे फाइंड करेंगे, डिफरेंशिएशन से। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है स्लोप, जैसे dy/dx क्या देता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। फिर यहाँ से जो है डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा एक्सेलेरेशन। अब इंटीग्रेशन जो है उसका रिवर्स प्रोसेस है, तो ए से वेलोसिटी फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, फिर वेलोसिटी से पोजीशन फाइंड करना है तो फिर से इंटीग्रेट करेंगे, ये हमारा प्रोसेस है। अब इंटीग्रेशन हम कैसे फाइंड करते हैं, अगर यहाँ पे है ऐसे, ये वाई है और ये एक्स है, तो इंटीग्रेशन से हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन से एरिया मिलेगा, तो एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स। तो ये बेसिक पॉइंट है।
अब यहां से v इज इक्वल टू dx बाई dt, इससे क्या मिलेगा कि स्लोप ऑफ xt ग्राफ क्या देता है, स्लोप ऑफ xt ग्राफ वेलोसिटी, स्लोप ऑफ, अच्छा एरिया, एरिया अंडर, ये बताओ एरिया अंडर at ग्राफ क्या देता है, एक्सलेशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट a इज इक्वल टू dv बाई dt, dv इज इक्वल टू a dt, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, ये क्या दे देगा, चेंज इन वेलोसिटी, एरिया अंडर at ग्राफ चेंज इन वेलोसिटी, एरिया अंडर vt ग्राफ, एरिया अंडर vt ग्राफ डिस्प्लेसमेंट, एरिया अंडर वीटी ग्राफ जो होगा वो देगा, ऐसे लिख लेंगे उसको वी डी टी का एरिया विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, ये क्या दे देगा, डिस्प्लेसमेंट। तो बस इतने ही पॉइंट हैं, इसका स्लोप एक्स टी ग्राफ का स्लोप एरिया वो वेलोसिटी देगा, वी टी ग्राफ का स्लोप वो एरिया देगा, एरिया का एक्सलेशन देगा, एक्सलेशन टाइम का एरिया वेलोसिटी देगा, और वेलोसिटी टाइम का एरिया डिस्प्लेसमेंट देगा। ये हमारे फोर पॉइंट्स हैं जिससे हम काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि आंसर मैं यहाँ पे पूछता हूँ कि मान लो कि एक्स टी का ग्राफ ऐसा है, एक्स टी का ग्राफ ऐसा है, ऐसा है, ठीक है, ये है एक्स टी का ग्राफ, पोजीशन वर्सेस टाइम, ठीक है। तो यहां से ऐसा बोल सकते हैं कि x x कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, अगर ऐसा स्टेटमेंट दिया होगा तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा ये बताना है, x कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, x कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, नो सर, ग्राफ ग्राफ देख के तुम्हें तुम्हें मोशन पैरामीटर से तो पढ़ने हैं ना, मोशन पैरामीटर्स क्या है, पोजीशन वेलोसिटी एंड टाइम, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हमेशा इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे देखो कुछ टाइम तक तो एक्स कोऑर्डिनेट ऐसे इंक्रीज कर रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट डिक्रीज होना स्टार्ट हो रहा है, तो ये नहीं है, एक्स कोऑर्डिनेट पहले इंक्रीजेस, फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, वेलोसिटी के बारे में क्या है, वेलोसिटी फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, और वेलोसिटी डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस, वेलोसिटी के बारे में क्या है भाई, इंक्रीजेस देन, यहाँ पे हम देखेंगे xt ग्राफ का स्लोप, तो यहाँ स्लोप देखेंगे क्या है, यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है, यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है, तो यहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव, हाँ यहाँ पे जीरो है, इसके बाद वेलोसिटी क्या हो जा रही, नेगेटिव है, तो वेलोसिटी क्या है, इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस नहीं, वेलोसिटी पहले पॉजिटिव है, पहले मान लो टू थी, टू से जीरो हुआ, जीरो से फिर क्या हुआ, माइनस टू हुआ, तो ये जो वेलोसिटी है वो हमेशा क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली डिक्रीजेस, बात समझ में आ रही है, ये स्पीड के बारे में हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव साइन को नहीं कंसिडर करोगे, वेलोसिटी मतलब वेक्टर क्वांटिटी ना, और वो देगा टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट से, तो यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे जीरो है वर्टेक्स पे, और यहाँ पे नेगेटिव है, तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे कंटिन्यूअसली ये क्या हो रही है, कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रही है, और यहाँ पे फिर से क्या है, यहाँ पे फिर से जीरो है, तो यहाँ से यहाँ तक के सेगमेंट में ये जीरो है। एक्सेलरेशन के बारे में यहाँ से कुछ बोल सकते हैं, एक्सेलरेशन के बारे में, एक्सेलरेशन के बारे में, अगर ऐसा बोल सकते हैं कि ये यहां से एज सच अगर जनरल कोई फंक्शन कांस्टेंट एंड डिक्रीज, कांस्टेंट एंड डिक्रीज नहीं बोल सकते हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक्सेलेरेशन नेगेटिव होगा, कैसे बोल सकते हैं कि क्योंकि ये जो डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा एक्स इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये जो फंक्शन है ना ये पैराबोलिक, अगर ऐसा होता है डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला तो डाउनवर्ड अप्रोक्सीमेट, ये फंक्शन हमें पता नहीं है, तो अगर एक्सेलेरेशन नेगेटिव होता है तो इस टाइप का ग्राफ होता है, कौन सा, एक्स टी, और अगर एक्सेलेरेशन पॉजिटिव होता है तो इस टाइप का ग्राफ होता है,
ठीक है, तो हम अप्रोक्सीमेटली ऐसा बोल सकते हैं कि अगर ये डाउनवर्ड टाइप का है, ऐसा डाउनवर्ड टाइप का है, तो एक्सेलेरेशन जो है नेगेटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव है। यहाँ पे अगर ये अपवर्ड टाइप का ग्राफ है तो एक्सेलेरेशन जो है वो पॉजिटिव है और वो नेगेटिव है। अगर एक्सटी ग्राफ इस टाइप का है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है तो एक्सेलेरेशन क्या है, जीरो। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है। v is equal to dx by dt, इसका जो है स्लोप कांस्टेंट। क्या स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है? हाँ, स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है। तो अगर फ्री फॉल है तो फ्री फॉल के सारे ग्राफ कैसे होंगे? क्विकली अगर हमने यहां से 20 से प्रोजेक्ट किया है, 20 से जो था हमारा क्वेश्चन, तो इसका ग्राफ कैसा होगा? सारे ग्राफ बनाने हैं, 20 से हमने प्रोजेक्ट किया, इनिशियल स्पीड है पॉजिटिव, तो ये तो कांस्टेंट एक्सेलेरेशन है, ये जो है ये कांस्टेंट एक्सेलेरेशन है। ये सारे ग्राफ थोड़ा एक मिनट के लिए हेलो, अभी सुन पा रहे हैं? हाँ सर। पिन जी, हेलो। यस सर। आप पूछिए जो पूछना चाह रहे थे, पूछिए। ये ऑफिस से इंक्वायरी है कोई? ये कौन, इसमें मनीषा है कोई? मनीषा नायक, ये ग्राफ भाई जो लोग नहीं है, जो लोग वो उनको पूछ रहे हैं, मनीषा को, तो जो लोग नहीं है मनीषा, वो लोग क्वेश्चन का आंसर सोचें।